जो है वो फाइंड हुए हैं। जो ये रिवर है इधर जो है टूल्स फाइंड हुए हैं, कौन सी रिवर? साबरमती और माही में, और गुजरात जो है उधर भी फाइंड हुए हैं। इन महाराष्ट्र द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज आर निवसा ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी एंड पटनी इन द तप्ती रिवर सिस्टम। कहते हैं महाराष्ट्र में जो है उधर जो है निवासा है उधर, और जो गोदावरी है उधर, और पटनी जो कि तप्ती रिवर के पास, वहां जो है वहां भी टूर जो है देखने को मिले। इन मध्य प्रदेश द रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका नियर भोपाल एंड आदमगढ़ इन अ डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद हैव यील्ड टूल्स फ्रॉम द पैलोलिथिकल टू द मेसोलिथिकल पीरियड। कहते हैं इधर भी जो है टूल्स देखने को मिले हैं। फिर इन उत्तर प्रदेश द बिलिंग वैली द रीजन ब्रॉडली फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट। कहते हैं ये सबसे अच्छी साइड है जिधर जो है हमें साफ साफ, मतलब कि जिधर जो है हमें पैलोथिकल साइट्स उधर जो है हमें टूल्स मिले हैं। इट शो ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ एरिया कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द पैलोथिकल। कहते हैं इधर से हमें पता लगता है कि जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो कहाँ से कहाँ जो है घूमे हैं, कौन कौन से शहर गए हैं, वो जाके आए हैं, शहर घूमे। नेक्स्ट, ये आपको पैलोथिकल साइट्स बताई गई हैं। टुवार्ड्स द ईस्ट असम एंड नेबरिंग एरियाज इंक्लूडिंग मेघालय गार्डन्स आर्टिफैक्ट्स। कहते हैं ईस्ट वाली साइड जो है, जो नेबरिंग, जो उसके आसपास की नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे असम के साइड में मेघालय पड़ता है, उधर के जो गैरो हिल्स है उधर भी जो है प्री हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, कई पुरानी चीजें जो है वो मिली। पैलोथिकल टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट वेरियस साइट्स ऑफ बंगाल और ईशा एंड बिहार। जो पैलोथिकल टूल्स हैं वो बंगाल और ईशा और बिहार उधर भी जो है दिखे। इन पेंसुलर इंडिया पैलोथिकल टूल्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो है उधर भी टूल्स मिले। इन तमिलनाडु एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ अट्रिम पकम एंड चिंगलपुट रीजन यहाँ भी मिले। द सब्सिस्टेंस ऑफ पैलोथिकल कल्चर्स वर बेस्ड मेनली ऑन हंटिंग एनिमल्स गैदरिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। कहते हैं मेनली हम ये जो पैलोथिकल जो कल्चर है उधर हम ये देखेंगे कि इधर जो है जानवरों को मारा जाता है और जो फ्रूट है उसको इकट्ठा किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, अलग शब्दों में, द पीपल वर प्रिमली हंटर्स एंड गैदर्स विद नो सेटल हैबिटेशन। कहते हैं देखें जो लोग हैं इधर जो हैं वो हंट करते थे, मारते थे, और जो है अपना फूड जो है गैदर करते थे अपनी हैबिटेशन के लिए, अपनी जीवन के लिए, अपने जीने के मकसद के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द पैथोलॉजिकल कल्चर्स ऑफ द प्री हिस्टोरिकल पीरियड वर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कहते हैं जो पैथोलॉजिकल कल्चर जो है ऊपर, हमने इससे ये अंदाजा हम जरूर लगा सकते हैं कि जो तब के टाइम के लोग हैं वो पूरे इंडिया घूमे हैं। द स्टडी ऑफ टूल्स इंडिकेट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन टूल टेक्नोलॉजी विच मस्ट हैव लेड टू बेटर अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कहते हैं जो ये टूल्स हैं इनको समझना और यूज ने किया है वो काफी अच्छे वे से किया है। नेक्स्ट, सबसिस्टेंस पैटर्न।
सबसिस्टेंस पैटर्न जो है वो है द पेरिथोटिकल पीपल प्रैक्टिस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर देयर सबसिस्टेंस। कहते जो लोग हैं उन्होंने खुद ही हंट की है, हंटिंग की, और जो फूड जो है अपना गैदर किया है, ये सबसे अच्छी बात है। दे मेड सिंपल स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग कटिंग डिगिंग एंड अदर पर्पसेस। कहते हैं वो एक सिंपल से जो है स्टोन के टूल्स बनाते थे हंटिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए, डगिंग करने के लिए, खोदने के लिए, डगिंग बोलते हैं खोदने को, और अदर पर्पसेस और अलग अलग कामों के लिए। दे लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड माइग्रेटेड टू प्लेसेस वेयर प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज आल्सो विथ वाटर वेरी इजली अवेलेबल। कहते हैं नोमैडिक लाइफ आसानी सी, इजी सी जो है उन्होंने जो लाइफ जी उसके बाद में, मतलब नोमेडिक इन द सेंस कि उन्होंने आराम से अपना जीवन जिया, चाहे उनमें स्ट्रगल्स आई उन्होंने एक्सेप्ट की और लाइफ जी, और उसके बाद में वो ऐसी जगह चले गए जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स बड़े आराम से मिल जाते थे, इवन पानी जो है आराम से मिल जाता था कि उनको खाने में दिक्कत जो है नहीं होती। नेक्स्ट द टर्म मेलोलिथिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो ये मेसोलिथिकल जो है वर्ड इस ये दो दो जो है टर्म से वर्ड से बना है, मेसो और लिथिक। अब मेसो जिसका मतलब मिडल और लिथिक जिसका मतलब है स्टोन, ठीक है। ये जो है दो वर्ड से जो है बना है। द मेसोलिथिकल स्टेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज अ नोन एज मिडल स्टोन एज। इसको क्या बोलते हैं, मिडल स्टोन एज बोला जाता है। इट हैज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द पैथोलिथिक एज है, उसके बाद में जो है मेसोलिथिकल आती है, और उसके बाद में क्या आती है, न्यूलिथिकल एज। कहते हैं ये जो है पैलोथिकल और न्यूलिथिकल के बीच वाली जो है एज है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज द बिगिनिंग ऑफ मेसोलिथिकल एज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज डेटेड टू अराउंड 10,000 BC। कहते हैं इतनी पुरानी है। उसके बाद में दिस पीरियड विटनेस द राइज ऑफ टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द क्लाइमेट बिकेम वार्म। कहते हैं ये हम पीरियड में, ये पीरियड जो है ये इस चीज को गवाह है कि जिधर हमने जो टेम्परेचर देखा कि इंक्रीज हुआ, कि आगे जैसे ठंड थी तो थोड़ी गर्मी जो है होनी इंक्रीज होगी। दीज चेंजेस फर्दर रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ अर्ली पीरियड एंड ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। कहते हैं ये जब टेम्परेचर ऐसे गर्मी होना स्टार्ट होगी, ये जो है इससे क्या हुआ, आइस पिघलने लग पड़ी, और जो फ्लोरा एंड फौना है मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स उधर भी जो है हम चेंजेस देखने को मिले। थो मैन हैज स्टिल इन हंटिंग ए गैदरिंग स्टेज इज नाउ फिनिशिंग एंड सम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कहते हैं अब चाहे ये जगह पे भी चलो हंटिंग होती थी और फिर खाना कलेक्ट होता था, पर अब जो लोग हैं थोड़े संभल के थे, इतना भी नहीं हंट करते थे। द मेन टूल्स वर यूज इज कॉल्ड एज माइक्रोलिस्ट और स्मॉल स्टोन टूल्स। जो इस पीरियड मेसोलिथिकल एज में जो यूज हुए हैं उस टूल्स वो काफी छोटे थे आगे से, और उसको बोला जाता था माइक्रोलिथिक्स। द रॉक पेंटिंग्स फाउंड एट भीमबेटका नियर भोपाल बिलोंगिंग टू द पीरियड इंडिकेट द एरिस्टिक टेस्ट ऑफ पीपल। की रॉक पेंटिंग जो है हमें देखने को मिली इस स्टेज में, मतलब पत्थरों के ऊपर पेंटिंग वगैरह जैसे हम देखते ही हैं कि दीवारों पर भी जो पेंटिंग की गई पुराने लोगों के द्वारा, वो जो मिली भीमबेटका में भोपाल के पास उधर जो है देखने को मिली। नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ द मेलोस्टिकल पीरियड। अब ये पीरियड में जो टूल्स जो है यूज जोन से हुए थे उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट द माइक्रोलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग
The Mesolithic periods were very small in size, varying in lengths from 1 to 8 centimeters, and very largely made up of chipped and flaked pieces. कहते हैं जो टूल्स इधर यूज किए गए थे वो काफी छोटे थे साइज में, 1 से 8 सेंटीमीटर की साइज में थे, और वो काफी बड़े नहीं थे, छोटे छोटे पीसेस में थे. सम ऑफ दीज टू भी कहते हैं कि सम ऑफ दीज टूल्स वर जियोमेट्रिकल फॉर्म्स सच एज ट्रायंगल्स, रूलिंग्स एंड ट्रेपेजेस. कहते हैं कि अलग अलग जो है शेप में टूल्स जो है बने थे. दे टूल्स कुड बी टाइड और फिक्स्ड इन अदर ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म एन एरो और स्पीयर. कहते हैं ये जो टाइम ऐसे था कि जिधर जो है एरो और स्पीयर का भी यूज होने लग पड़ा था. वो एरो और स्पीयर जो कि अच्छे जो कि भगवान राम के हाथ में भी होते हैं, वो वाला उसकी बात की गई है, उसका भी यूज होने लग पड़ा था. सेकेंड इज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक साइट्स. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेथोलिथिक साइट्स इंडिकेट्स द मेसोलिथिक कल्चर्स कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट. कहते हैं ये यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने पूरा इंडिया घूमा है, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक. इम्पॉर्टेंट साइज ऑफ दिस कल्चर ऑफ अब ये जगह है जहाँ जहाँ जो है टूल्स पाए गए हैं. कौन कौन सी? लंगनज डिस्ट्रिक्ट, मेहसाना गुजरात में, भीमपेटका गोपालगंज मध्य प्रदेश में, चोपानी बंधु अहमदाबाद में, इन बेलंग वैली में उत्तर प्रदेश में, बीरपुल डिस्ट्रिक्ट बुर्दवान में वेस्ट बंगाल में, संगनाककू डिस्ट्रिक्ट बेलरी कर्नाटका में, ट्यूकोरियन इन साउथ तमिलनाडु में. तो ये जगह जो है पाएंगे. नेक्स्ट सबसिस्टेंस पैटर्न. द मेसोलिथिक पीरियड स्टिल सबसिस्टेंस ऑन हंटिंग एंड गेटिंग, बट नाउ देयर वाज अ शिफ्ट इन अ पैटर्न ऑफ हंटिंग from big animals in a Paleolithic period to the smaller animals which could be attacked with help of bows and arrows. अब जो Paleolithic period था उसे तो बस stones वगैरह होते थे, तो वो शिकार जो है वो छोटे animals का तो कर ही नहीं पाते थे. अब जैसे छोटे animals जैसे कि birds वगैरह pigeon है वो तो उड़ रही है, उनको कैसे ऊपर से इतनी ऊपर से वो पकड़ लेते, तो उनका शिकार कर ही नहीं पाते थे छोटे एनिमल्स का. तो जो बड़े एनिमल्स थे उनका ही जो है शिकार वो कर पाते थे. तो अब जो मिसोलिथिकल जो पीरियड था उधर ये डिफरेंस आ गई थी पैलोलिथिक पीरियड में कि इधर जो है बो और एरो का यूज होने लग पड़ा था. तो बो और एरो की हेल्प से जो है वो पंछियों या जो छोटे और है इंसेक्ट्स हो गए, कोई जो एनिमल्स हो गए, उनका जो है शिकार जो है कर पाते थे इस वाले जो है एज में. मेन डिफरेंस यही है इन दोनों में कि इधर जो है बो और एरो का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और जो पैलोलिथिक पीरियड है उधर जो है नहीं शुरू हुआ था. In addition to this, fishing and flying also became important. तो इससे क्या है वो और एरो की हेल्प से जैसे कि वो जैसे कि फिशिंग वगैरह में भी जो हमको हेल्प होनी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ कोई फिश अगर उनने कैच करी है तो उसकी भी जो है हेल्प होगी. फिर उसके बाद में द फेनल रिमेन्स ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो, बिग रैट, बिसन, हिप्पो, डॉग, फॉक्स, लिजर्ड, टॉर्टोइस एंड फिश एक्सेट्रा. तो ये जो है ये इनको जो पकड़ना जो है आसान हो गया था. हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल साइट्स, मेलोस्टिकल साइट्स से जो है ये चीजें जो है आराम से जो पकड़ी जा सकती है. नेक्स्ट
आगे है न्योलॉथिकल एज, जो कि लास्ट जो है वो है द लास्ट फेज ऑफ प्री हिस्टोरिकल स्टर्म है न्योलॉथिकल जो है ये लास्ट है। द टर्म न्योलॉथिकल इज डराइव फ्रॉम, ये दो वर्ड से आई है, न्यूओलिथिक जिसका मतलब है न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज है ह्यूमन कल्चर की। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज अ डार्क बैग ऑफ अराउंड, ये 8,000 जो है पुरानी स्टेज है जिसको न्यूलॉथिकल बोला गया है। ये जो है जॉन लबोक ने ये नाम जो है बोला था। और द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज हैज बीन न्यू टाइप ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन को टॉयल्स, ये जो है इधर जो है अच्छे जो है स्टोन टोल्स जो है यूज किए गए बाकियों के कंपैरेटिव। दिस पीरियड वाज मार्क फॉर द बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये जो है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स को हंट वगैरह उनमें जो है काफी हेल्प की गई। इट लेड टू बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ विलेज सेटल, इस जो दौरान है ये जो एज है इधर जो है लोगों ने अपना घर बनाना सेट कर लिया, विलेज बना, घर बनने स्टार्ट होने लग पड़े। अब इसमें क्या क्या होने लग पड़ा, बिगिनिंग ऑफ कल्चर एक्टिविटीज, खेती बाड़ी शुरू हो गई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को पकड़ना, उनका ट्रेड वो चीज यूज शुरू होगी, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ स्टोन, स्टोन्स हैविंग शार्पर एज, जो पॉलिश करना ग्राइंड करना उसको कोई चीज से स्टोन टू स्टोन ही ग्राइंड करेंगे, क्योंकि तब तो कोई मशीन थी नहीं जिससे जो है जो टूल्स हैं वो जो है शार्प होने लग पड़े। नेक्स्ट, अब कहते हैं मीनिंग क्या है इसका। समटाइम्स दिस पीरियड इज अ टर्म ऑफ न्योलॉथिकल रेवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट चेंजेस अ मैन ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ, ये जो है आप हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट पीरियड जो है। द यूज ऑफ शार्प एंड पॉलिश न्योलिथिकल टूल्स मेड इट इजियर टू कल्टिवेट द सॉइल, ये सॉइल को कल्टिवेट करने में बड़ा हेल्प हुए जिसके टूल्स थे। द कॉम्बिस्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिकल ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनका उनका प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, कि जैसे देखते हैं ना कि पहले काऊ को खेतों में चलाया जाता था तो वो चीजें शुरू होगी। दीज चेंजेस इन टर्न रिजल्टिंग इन द एमर्जेंस ऑफ सेटल्ड सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जो है एग्रीकल्चर का जो काम है वो स्टार्ट होने लग पड़ा। द न्यूलिथिक पीरियड है प्रोड्यूस पॉटरी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स, जो ग्रेन्स जो दाल नहीं है ये चीजें भी शुरू होने लग पड़ी। एज द रीडेवलपमेंट ऑफ न्यूलिथिक फेज greatly affected the human life, some scholars have been used the term the neolithic revolution to signify those changes, कहते हैं ये जो है पीरियड शुरू हो गया जिधर जो है लोगों ने कुछ समझना जो है वो शुरू कर दिया। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव दैट दीज चेंज सो सिग्निफिकेंस शुड बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्लियर प्रोग्रेस ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज एंड दस शुड बी कंसिडर ऑफ एवोल्यूशन रेदर देन रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब आज का जमाना, रेवोल्यूशन मतलब पुराना जमाना। कहते हैं जो न्यूलॉथिकल रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन वर्ड इधर क्यों यूज किया, न्यूलॉथिकल में रेवोल्यूशन वर्ड क्यों यूज, रेवोल्यूशन वर्ड इसलिए यूज किया है कि आज का जमाना, कि ये आज का जमाना क्या है, और जो एवोल्यूशन है मतलब पुराना जमाना, पैलोथिकल और मेसोलिथिकल जो है वो पुराने जमाने का है, और जो ये है वो जो है रेवोल्यूशन है न्यूलिथिकल मतलब आज के जमाने का। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ द न्यूलिथिकल पीरियड, अब जो इधर की जो टूल्स है जो यूज किए गए हैं उसके बारे में रीड करते हैं। न्यूलिथिक टूल्स कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड टूल्स हैविंग स्मूथ सरफेस एंड द वेल राउंड एंड सिमेट्रिकल शेप्स, काफी अच्छी शेप के थे और उसको प्रॉपरली यूज किया जा सकता था, राउंड शेप के थे, शार्प थे। द ग्राइंडिंग मेड द टूल्स शार्पर एंड पॉलिश्ड एंड मोर इफेक्टिव फ्रॉम दीज एंड द अर्ली पीरियड, कहते हैं पुराने पीरियड से जो है ये
शार्प थे, पॉलिश किए हुए थे। द ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ न्योलिथिक पीरियड इंक्लूड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्स कॉल्ड कैट। कहते हैं जो स्टोन्स यूज किए गए थे वो जो है पहले पीरियड से जो है वो अच्छे ही थे। आगे द ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ द न्योलिथिक पीरियड इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस, मतलब अलग अलग टाइप के जो हथियार हैं वो जो है यूज किए जाते थे, जिसको सेल्ट बोला जाता। बिसाइड द स्टोन टूल्स द साइट्स ऑफ दिस पीरियड हैव ऑल्सो यील्ड वेरियस टाइप ऑफ बोन ऑब्जेक्ट सच एज निडल्स, स्क्रैपर्स, बोरस, एरोहेड्स, पेंडिस, बैंगल्स एंड अदर्स। ये टाइप के जो है हथियार जो है अब जो है आए थे नोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट आगे ज्योग्राफिकल मतलब इंडिया में कैसे ये स्प्रेड हुआ, नोलिथिक साइज ये हर एक जगह स्प्रेड हुआ। फिर द नॉर्थन वेस्टर्न रीजन ऑफ मेघा इज अ क्लासिकल साइट ऑफ कच्ची प्लेन्स ऑफ कच्ची प्लेन्स उधर भी ये पाया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट Barkistan, the innovation of Meghar gave revealed the evidence of houses built in a Neolithic people. कहते हैं इधर जो है houses बनने जो है start हो गए। These were built of sun-dried bricks. ये जो है bricks से बने हुए थे, लकड़ों से बने गए थे। ये these houses divided into small, छोटे छोटे कमरे बनने start हो गए। The evidence of cultivation of crops like wheat, barley and cotton was discovered from here. जो crops हैं जैसे wheat, barley, cotton जो है उसकी शुरुआत होगी। The important side of Kashmir Valley include Kashmir Valley की जो important जगह है वो include next. वो इंक्लूड गर्बोजियम एंड ये जगह पे भी होने लग पड़ी। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ऑल दिस साइड्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूलिस्टिक कल्चर। ये जो साइड्स हैं, ये जो जगह है इधर न्यूलिस्टिक कल्चर जो है शुरू देखने को मिला। द बेलन वैली अलोंग द एज ऑफ विंध्यन प्लेट्यू नियर अहमदाबाद इन उत्तर प्रदेश also has many neolithical sites such as Kolidawa and Mahagra. ये जो जगह है इधर भी जो है मिला हमें काफी कुछ neolithic tools मिले। neolithic tools both stone and bones, pottery, other artificial flora and fauna remains have been found from this site. ये जो tools हैं ये जो है ये और कामों के लिए भी use हम देख होने के लिए देखने को मिले। इन बिहार एंड मिड जेनेटिक वैली रीजन चिरंट इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूरिस्टिक साइट। जो ये वैली है चिरंट में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मशहूर है न्यूरिस्टिक के लिए। सेवरल न्यूरिस्टिकल साइट्स आर प्रेजेंट कवरिंग इन द हाइज ऑफ असम, मेघालय एंड नागालैंड। ये जगह पे मिलने को मिला हमें न्योलिस्टिक
टूल्स लाइक न्यूलिस्टिकल सेल्स, स्मॉल ग्राउंड एक्स अलोंग विद द रिमेन्स ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस एरिया, ये एरिया से मिले टूल्स। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया वाली साइड अब अगर जाते हैं तो जो रिवर्स हैं भीमा, कृष्णा, तनुगढ़ एंड कावेरी इधर मिले, और जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं जैसे कि संगकल्लू, ब्रागिरी, मस्की, पिकलीहाल, हलूर इन कर्नाटका, उतनूर, नगर्जुनाकोंडा, बुद्धियन इन आंध्र प्रदेश एंड पेम्बली इन तमिलनाडु। दीज साइड्स हैव यील्ड ड्वेलिंग पिट्स अलोंग विद द एविडेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सीरीज एंड ये साइड्स में मिले, और ये साइड्स में जो है अब हमें खेती बाड़ी करने की देखने को मिला कि इधर खेती बाड़ी जो है शुरू की। नेक्स्ट एनिमल्स जो है वो देखने को मिले, मिलेट रागी वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द विलेजर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने जो है क्रॉप्स जो है वो देखने को मिले कि वो जो ग्रो करने लग पड़े, कौन से क्रॉप पहले ग्रो किए उन्होंने, मिलेट रागी। नेक्स्ट नेक्स्ट है सबसिस्टेंस पैटर्न। The adjustment of agriculture marked a significant change in neolithic phase. इसमें agriculture में जो है हमें सबसे ज्यादा change देखने को मिला। The people cultivated various kinds of crops such as wheat, barley, rice, millet, lentils, etc. ये जो crops हैं ये cultivate होना start होगी depending on geographical condition, अब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मतलब ये क्रॉप्स जो है ग्रो करना स्टार्ट होगी। एग्रीकल्चर गेव इम्पेटस टू एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेशन, बाकी हाँ एनिमल्स को जैसे जो नॉन वेज यूज करना वो भी स्टार्ट हो गया कि हाँ उसको कैसे एज ए नॉन वेज जो खाने के लिए कैसे यूज करना है। हंटिंग स्टिल रिमेन एन इम्पोर्टेंट, हंटिंग जो है वो फिर भी इम्पोर्टेंट रही है ऑक्यूपेशन के लिए, व्यापार के लिए। The people domesticating animals have been include sheep, goat, cattle, etc. Also hunted wild animals such as boar. मतलब कि छोटे मोटे animals तो मारे और बड़े animals भी जो है मारे व्यापार के लिए। Different kinds of stone tools were made in neolithic people which have been discussed. अब हमने पढ़ा ये कि हाँ अलग अलग tools जो stones हैं वो बनने start हुए इस दौरान, और जो इधर के जो लोग हैं उन्होंने करना स्टार्ट किया, मतलब कि उन्होंने ये जाना कि एक कैसे एक हाथ से लेना है और एक हाथ से देना है, कि व्यापार कैसे करना है वो उन्होंने जाना। दीज वर द मेजर मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फॉर गेन्स, ये जो है सबसे अच्छा मेथड था कि कैसे जो है व्यापार कर सकते हैं। इन नटशेल वी कैन से द नॉलेस्टिकल कल्चर्स वर कैरेक्टराइज बाय चेंज फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि कैसे जो है ये हमने इस जो पीरियड है न्योलॉजिक जो ये न्यूलिथिकल जो है एक पीरियड उसमें देखा कि कैसे हंटिंग और कैसे कल्टीवेशन जो है उसका यूज किया गया। न्यू पॉलिश टूल्स वर मेड इजियर फॉर ह्यूमंस टू कल्टीवेट, हंट एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज इन अ बेटर मैनर। कहते हैं जो टूल्स जो है न्यू बन के जो आए हैं वो ह्यूमन के लिए कैसे हेल्प हुए कल्टिवेट करने के लिए और हंट करने के लिए कैसे यूज हुए वो देखा गया। It led to a greater availability of food resources as well as to increase in population. This in turn resulted in the increase in number of village settlements. कहते हैं जैसे लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे वैसे ही देखने को मिला कि जो विलेज है वो कैसे जो है बनने स्टार्ट हो गए। The newest culture created the conditions which helping growth of towns in the later period. कहते हैं ये जो कि विलेज में था वो अब जो है
टाउन में शिफ्ट हो गया, अब जो है ये टाउन की फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट। ओके वी विल कंटिन्यू टुमारो, ये नेक्स्ट वाला।